students, today we are going to study the digestive system of Hardmania. यानी आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं Hardmania की digestive system, यानी पाचन तंत्र. Hardmania के पाचन तंत्र में दो मेजर भाग होते हैं, वो हैं एलिमेंट्री कनाल और पाचन ग्रंथियाँ. यानी द एलिमेंट्री कनाल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ Hardmania कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लांड्स. द फर्स्ट पार्ट दैट इज द एलिमेंट्री कनाल. वट आर द मेन पार्ट सीन इन द केस ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कोइल्ड वन. दिस इज द कोइल्ड एलिमेंट्री कनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इट इज कम्प्लीट, पूर्ण होता है. कम्प्लीट बिगिनिंग एट द माउथ. हियर इट इज द माउथ, द नंबर वन इज द माउथ. एंड टर्मिनेटिंग एट द एनस. हियर इट इज द एनस. यानी इट स्टार्ट्स एट द mouth and ends at the anus portion. Okay, now the first portion of the alimentary canal, which is known as the mouth, or it is known as the branchial aperture. Dekhiye aap log red color ke jo pen se likha hua hai, ink se likha hua hai, yani branchial aperture upar bhi hai, yani branchial mouth yani branchial aperture at the mouth or branchial apertures opens on the top of the branchial siphon. This is the branchial siphon. Here it is the branchial siphon. और इसी branchial siphon के सबके ऊपरी हिस्से में mouth या branchial aperture होता है. And it forms the anterior end of the body, यानी शरीर के सबसे अग्र portion बनता है. It is bordered by, यानी ये देखें आप, it is bordered by four lobes formed by the test. टेस्ट से बना हुआ चार पालियों से घेरे हुए रहते हैं. एंड द सेकेंड पोर्शन विच इज़ नोन एज द बकल कैविटी, यानी सेकेंड पोर्शन, हेयर इट इज़ द बकल कैविटी. एंड यहाँ पर भी है, दो नंबर पे लिखा हुआ है, यानी बकल कैविटी. बकल कैविटी जो है दैट इज शॉर्ट, नैरो एंड लैटरली कंप्रेस्ड कैविटी ऑफ द ब्रैंकियल साइफन. ये पार्श्व संपीड़ित एवं छोटे एवं संकरित भाग होता है, जिसको हम स्टोमोडियम और बकल कैविटी भी कहते हैं. ए स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्फिंक्चर, दिखे, दिस इज द ब्रैंकियल स्फिंक्चर. ए स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्फिंक्चर प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ साइफन रेगुलेट्स द ओपनिंग. यानी ब्रैंकियल जो स्फिंक्चर है वो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं. The base, now the base of the, you know, base of the branchial siphon, you can see base of the siphon is provided with a number of small tentacles, delicate, small and delicate tentacles. They are known as the branchial tentacles. यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, ये छोटे छोटे यानी बेस, यानी साइफन के ठीक बेस या आधारीय भागों पर अनेकों सिकल आकार के छोटे छोटे डेलिकेट स्पर्शक या टेंडकल्स पाए जाते हैं, जिसको ब्रैंकियल टेंडकल्स कहते हैं. और ये ब्रैंकियल टेंडकल्स ही टोटल जो है अबाउट 64 ब्रैंकियल टेंडकल्स आर देयर. एंड इट कैन बी डिवाइड इनटू फोर ग्रुप्स, दैट मीन्स 8 लार्ज साइज्ड having the size of 5 mm, and 8 medium having the size of 2.5 mm, and 16 small branchial tendrils and having 1.5 mm in size, and 32 very small tentacles and their size is about 0.5 mm. yani branchial tentacles jo hain wo total 64 है. और ये हम चार ग्रुपों में बांट सकते हैं.
आठ बड़े, आठ मध्यम वर्ग के और 16 छोटे एवं 32 बहुत ही छोटे टेंडकल्स, और इसकी साइज़ है 8 जो बड़े हैं वो है 5 mm की, 8 मध्यम साइज़ के हैं उसके 2.5 mm की, और स्मॉल या छोटे हैं 16 उसकी साइज़ है 1.5 mm की, 32 जो है वेरी स्मॉल है उसकी साइज़ है 0.5 mm की। वो कहाँ स्थित होते हैं, यानी ब्रैंकियल साइफन या बकल कैविटी के आधारीय भाग पर। ये देखिए यहाँ पर ब्रैंकियल साइफन की या बकल कैविटी की आधारीय भाग पर उपस्थित होते हैं। ओके, और इसकी शेप क्या है, सिकल शेप्ड ब्रैंकियल टेंडकल, सिकल शेप। और ये ब्रैंकियल टेंडकल्स जो है कि इसमें ब्रैंकियल टेंडकल्स फूड पार्टिकल्स, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेनर, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेनर और अ फिल्टर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द फायरिंग्स। फायरिंग्स में बड़े बड़े भोजन के कणों को आने से या जाने से ये रोकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ द फायरिंग्स, यू सी दैट इज़ द फायरिंजियल पोर्शन, एंड फायरिंजियल पोर्शन कैन बी डिवाइड इंटू टू, दैट इज द प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक, यानी हियर इट इज़ द प्री ब्रैंकियल जोन। प्री ब्रैंकियल यानी ब्रैंकियल कोश को फायरिंग्स या ग्रसनी का दो भागों में बांटा जा सकता है, और ये दो भागों में पहला जो भाग होते हैं उसको प्री ब्रैंकियल जोन कहते हैं, दिस इज़ द प्री ब्रैंकियल जोन, प्री ब्रैंकियल जोन, और दूसरा जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं दैट इज़ द ब्रैंकियल सैक, दिस इज़ द ब्रैंकियल सैक। तो प्री ब्रैंकियल जोन, देखें प्री ब्रैंकियल जोन, प्री ब्रैंकियल जोन, प्री ब्रैंकियल जोन में क्या क्या संरचनाएं होती हैं वो देखें। इट इज़ अ स्मॉलर एंटी, प्री ब्रैंकियल जोन जो है इट इज़ अ स्मॉलर एंटीरियर रीजन हैविंग स्मूथ वॉल्स विदाउट फोल्ड सीलिया स्टिग्माटा और गिल स्लिट्स। ये छोटा सा पोर्शन होता है फायरिंग्स के या ग्रसनी के अग्रभाग भी बनाते हैं, और छोटा सा पोर्शन होता है इनमें, ना ही कि फोल्ड विदाउट फोल्ड होता है, ना सीलिया ना स्टिग्माटा या फिर गिल स्लिट्स होता है। और इट इज़ डिमार्केटेड फ्रॉम द ब्रैंकियल सैक बाय टू सर्कुलर थिन पैरेलल एंड सीलिएटेड रिज। ये आगे के जो पोर्शन है ब्रैंकियल सैक से सेपरेट करते हैं दो सर्कुलर वृत्ताकार पतले एवं समानांतर पाए जाने वाले दो सीलिएटेड रिजेस द्वारा इसको पृथक की जाती हैं, और इनको पेरी फेरेंजियल बैंड्स कहते हैं, दिस इज द पेरी फेरेंजियल बैंड्स। ओके, पेरी फेरेंजियल बैंड्स कहते हैं, और ये पेरी फेरेंजियल बैंड्स दो या टू होते हैं, इसको कहते हैं अग्रभाग का है पोस्टीरियर पेरी फेरेंजियल बैंड्स, एंड पश्चभाग का पोस्टीरियर पेरी फेरेंजियल बैंड, और अग्रभाग का होता है एंटीरियर पेरी फेरेंजियल बैंड। इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं उसको कहते हैं पेरी फेरेंजियल ग्रूव। देखिए पेरी फेरेंजियल ग्रूव यानी दो हेरेटिस टू पेरीफेरेंजियल परिग्रसनी पट्टियाँ अग्र एवं पश्च, इन दोनों के बीच में जो ग्रूव या खांच पाए जाते हैं इसको कहते हैं पेरीफेरेंजियल ग्रूव। ओके, पेरीफेरेंजियल ग्रूव, तो टू बैंड्स बियर्स लार्जर सीलिया वाइल द ग्रूव है स्मॉलर सीलिया। दोनों बैंड्स में पट्टियों में बड़े सीलिया पाए जाते हैं बट ग्रूव के अंदर छोटे सीलिया पाए जाते हैं। और एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड इज अ कंप्लीट रिंग, जो अग्रभाग के पेरीफेरेंजियल बैंड जो हैं वो कंप्लीट रिंग फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग एंड कंप्लीट रिंग एंड मिड डोर्सली इन फ्रंट ऑफ इट लाइज अ सोलन डोर्सल ट्यूबरकल। इसके मध्य पृष्ठीय भाग पर एक फुली हुई डोर्सल ट्यूबरकल पाए जाते हैं, और पश्च पेरीफेरेंजियल बैंड इंटरप्टेड होते हैं, बीच में से टूटी हुई होती हैं, और मिड डोर्सल भाग में एक डोर्सल लैमिना पाया जाता है, जिस लोकेशन
पोजिशन ऑफ डोर्सल लैमिना, मध्य पृष्ठीय भाग की ओर एक पृष्ठ लैमिना पाए जाते हैं एवं मध्य अधरीय भाग के ओर जो है एंडोस्टाइल, दिस इज द पोजिशन ऑफ द एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल पाए जाते हैं, यानी जो फारिंग्स है फारिंग्स की अग्र भाग की ओर जो भाग होता है उसको कहते हैं प्री ब्रैंकियल जोन। इस प्री ब्रैंकियल जोन में दो सर्कुलर थिन एवं पैरेलल सिलिएटर रिजेस होती हैं, इसको परिग्रसनी पट्टियाँ कहती है। परिग्रसनी पट्टियाँ अग्र भाग के एंटीरियर पेरिफेरेंजल बैंड कहते हैं और पश्चिम भाग के पोस्टीरियर पेरिफेरेंजल बैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच के जो स्थान है खाली स्थान जिसको कहते हैं पेरिफेरेंजल ग्रूव। ओके, और जो अग्र पेरिफेरेंजल बैंड जो है वो कंप्लीट रिंग होती है, बट पश्च जो पेरिफेरेंजल बैंड होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। जो आगे जो एंटीरियर पेरिफेरेंजल बैंड की मिड डोर्सल पोर्शन में यानी मध्य पृष्ठीय भाग की ओर डोर्सल ट्यूबरकुल पाए जाते हैं, पृष्ठगुलिका पाए जाते हैं और पश्च पेरिफेरेंजल बैंड टूटे हुए होते हैं बीच बीच में, और उसके मध्य पृष्ठीय भाग की ओर डोर्सल लैमिना की लोकेशन होता है और मध्य अधरीय भाग की ओर एंडोस्टाइल पाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ नोन एज द ब्रैंकियल सैक, ब्रैंकियल, दिस इज द ब्रैंकियल सैक। ओके, पेरिफेरेंजल बैंड से लेकर पश्च भाग इसोफेजियल एरिया तक फैले हुए एक सैक के समान या बास्केट के समान संरचना है जो कि ब्रैंकियल सैक, एंड इट इज़ द लार्जर पोस्टीरियर रीजन ऑफ द फारिंग्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रैंकियल बास्केट, ये ब्रैंकियल बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, और इट्स वॉल्स आर परफोरेटेड बाई ए नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ ओपनिंग्स विच कम्युनिकेट्स विद द एट्रियल कैविटी। इसकी दीवारों में अनेक आपको दिखाई देंगे अनेकों छोटे छोटे ओपनिंग्स पाए जाते हैं, इन ओपनिंग्स को गिल स्लिट्स या स्टिगमाटा कहते हैं और इसी के द्वारा ये मेंटल कैविटी से जुड़ जाते हैं। ओके, ईस्ट साइड ऑफ द ब्रैंकियल बियर्स सैक बियर्स अबाउट 2 लाख स्टिगमाटा अरेंज्ड इन सेवरल ट्रांसवर्स रोस, यानी एक साइड में जो ब्रैंकियल कोष जो है ब्रैंकियल सैक जो है वो करीब 2 लाख स्टिगमाटा के अनेकों अनुप्रस्थ पंक्तियों में उपस्थित होते हैं। ओके, और इस स्टिगमाटा एपिथीलियम लाइनिंग द स्टिगमाटा बियर्स लॉन्ग सीलिया, इन्हीं स्टिगमाटा की एपिथीलियम में अनेकों सीलिया लंबे सीलिया पाए जाते हैं, इसको लैटरल सीलिया भी पाए जाते हैं। फारिंजियल वॉल कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रॉड लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बार्स, ये फारिंजियल वॉल या भित्तियों में अनेकों जालक के रूप में लॉन्जिट्यूडनल एवं यानी लंबवत एवं अनुप्रस्थीय बार्स या बार्स पाए जाते हैं, और इससे इसको स्टिग्मैटिक एरियाज या स्टिग्मैटिक एरियाज कहते हैं, और हर एक स्टिग्मैटिक एरिया में करीब करीब 5 से 6 स्टिग्मैटा भी पाए जाते हैं। नाउ सी ब्रैंकियल कोष, सी इनमें नेक्स्ट पोर्शन यानी ब्रैंकियल सैक के अंदर स्टिग्मैटा पाए जाते हैं, स्टिग्मैटा आपको समझा दिया। स्टिग्मैटा के अलावा जो नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज़ द ट्रैबिकुले, इसमें आपको डायग्राम में दिखाई नहीं देगा, और ट्रैबिकुले है क्या है वे मैं आपको बता देती हूँ, यानी इनर द आउटर वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक इज कनेक्टेड टू मैंटल बाय सेवरल होलो स्ट्रैंड्स, यानी ब्रैंकियल कोश की बाहरी दीवार मैंटल से जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए जो सब अनेकों स्ट्रैंड्स होलो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं इसको ट्रैबिकुले कहते हैं, यानी द ट्रैबिकुले कनेक्ट्स द ब्रैंक आउटर वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक एंड ऑल्सो द मैंटल, यानी मैंटल और ब्रैंकियल कोश की बाहर की दीवारों को जोड़ने के लिए जो होलो स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम ट्रैबिकुले कहते हैं। ओके, ट्रैबिकुले यहाँ लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज़ द डोर्सल लैमिना, डोर्सल लैमिना
इट्स ए थिन, इनका लोकेशन यह है, दिस इज़ द लोकेशन डोर्सल लैमिना, डोर्सल लैमिना, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द डोर्सल लैमिना, यहाँ लिखा है 4-3, यानी 4 का थर्ड पोर्शन, दैट इज़ द डोर्सल लैमिना. दिस इज ऑल्सो नोन एज द हाइपर बैरेंजल बैंड, हाइपर बैरेंजल बैंड. और ये हाइपर बैरेंजल बैंड क्या है मैं आपको बताती हूँ. ये थिन फ्लैप और फोल्ड 1-1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द शॉर्ट मिड डोर्सल बॉर्डर ऑफ द रूफ ऑफ द ब्रैंकियल सैक. ब्रैंकियल कोश की छत से यानी रूफ से करीब 1-1.5 सेंटीमीटर लंबे जो संरचना हैं लटके हुए पाए जाते हैं, इसको हम हाइपर फैरेंजल बैंड और डोर्सल लैमिना कहते हैं. और इसके डायग्राम आगे मैं दिखा दूंगी आपको, डोर्सल लैमिना और हाइपर फैरेंजल बैंड. नाउ द एंडोस्टाइल, दिस इज द लोकेशन ऑफ द एंडोस्टाइल. ये कहाँ पाया जाता है एंडोस्टाइल, यानी फैरिंग्स की वेंट्रल साइड की ओर, जो वेंट्रल साइड की ओर शैलो संरचना, ग्रूव लाइक संरचना जो पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं दी एंडोस्टाइल, शैलो लॉन्जिट्यूडनल मिड वेंट्रल ग्रूव, यानी छिछले लंबवत मध्य आधरीय जो खांच है इसको कहते हैं एंडोस्टाइल. और ये अग्र भाग में ये पेरिफेरेंजल ग्रूव से जुड़ते हैं और पश्च भाग की ओर ये पोस्टीरियल ग्रूव टर्मिनेट्स एट द ईसोफेजियल एरिया. ओके, यानी पश्च भाग की ओर ये ईसोफेजियल एरिया से जुड़ते हैं और अग्र भाग की ओर ये पेरिफेरेंजल ग्रूव से जुड़ते हैं एंडोस्टाइल. द नाउ द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द ईसोफेजियल एरिया. दिस हियर इट इज द ईसोफेजियल एरिया. यू सी दिस इज द ईसोफेजस, ईसोफेजियल एरिया और द ईसोफेगस. द ब्रैंकियल सैक पोस्टीरियरली लीड्स टू द ईसोफेगस. ये ब्रैंकियल कोश जो हैं वो पश्च भाग की ओर ईसोफेगस से जुड़ते हैं. वो एक छोटा वक्रित पोर्शन, थिक वॉल्ड पोर्शन होता है. इट्स लूमन इज प्रोड्यूस्ड टू 4 लॉन्जिट्यूडनल सीलिएटेड ग्रूव्स फॉर द पैसेज ऑफ द फूड. इसके जो लूमन है वो कैविटी जो है अंदर की ओर 4 सीलिएटर ग्रूव्स में डिवाइड होती हैं फॉर द हेल्प्स फॉर द पैसेज ऑफ द फूड. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द स्टोमक. द स्टोमक, इट इज़ द वाइडर रीजन. दिस इज द स्टोमक रीजन. हियर इट इज़ द स्टोमक. स्टोमक के दोनों भाग में लिवर के दो भाग होते हैं, यानी राइट लिवर लोब एंड लेफ्ट लिवर लोब. वाइडर देन द स्टोमक इज वाइडर देन द ईसोफेगस. ओके, इट इज़ ऑल्सो थिन वॉल्ड. ये थिन वॉल्ड होती हैं, यानी थिन वॉल्ड है. और अगला जो पोर्शन है दैट इज़ द इंटेस्टाइन. हियर इट इज़ द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन जो है स्टोमक दैट लीड्स टू द इंटेस्टाइन. द इंटेस्टाइन इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर, शेप्ड ट्यूब हैविंग द डिसेंडिंग एंड ऑल्सो द असेंडिंग लिम्ब. दो इसमें लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग लिम्ब. और अगला जो पोर्शन है दैट इज द रेक्टम. ओके, रेक्टम पोर्शन यानी टर्मिनल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन दैट लीड्स इन टू शॉर्ट नैरो ट्यूब. यानी जी इंटेस्टाइन के जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो एक छोटे एवं संकरी ट्यूब की ओर ले जाते हैं, उसको हम रेक्टम कहते हैं. और ये रेक्टम इट इज़ इंडेंटली लाइंड बाय द सीलिया. आंतरिक भाव से ये सीलिया से अस्तरित रहती हैं. नाउ दिस इट द रेक्टम, नाउ इट ओपन्स टू द क्लोयाका और द एट्रियम थ्रू द एनस. हियर इट इज़ द एट्रियम और द एनस, क्लोयाका और द एट्रियल कैविटी और क्लोयाका देन लीड्स इनटू द एट्रियल साइफन. ये यहाँ पर एट्रियल साइफन की ओर एक क्लोयाका खुलते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द
अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया कि अब इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एंडोस्टाइल हैं, डोर्सल लैमिना है, टेंटाकल्स है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे और ये मुझे लगता है ये समझ में आ गए होंगे आपको। इसके साथ ये बंद कर यहीं मैं